और गाइस पप्पी की क्वालिटी देखो क्या भयंकर है। बस भाई पे चसर रोक सीना जा भाई। अरे 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 पटेल जा दिए। देखते हैं भाई क्या हुआ है। वैसे तो भाई कोई सा भी अटैक नहीं कर रहा। सब रेड किंग की थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। चलो बेटे रेड किंग हो सकते। सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतिक डॉग चैनल। तो गाइस ये घूम रहा हमारा छोटा पप्पी और गाइस ये घूम रहा हमारा बड़ा पप्पी। हां भाई ठीक है। अब तू जिंदा है। यो खा खा रात चिल्ली पटेटो और मैदा के गिंडो वे आई मीन चाउमीन वे सारे के सारे लिकट के पूरी रात उल्टी करी। इसी आ गया हमारा चिंटू डोन और गाइस ऊपर इसीलिए आवे ऐसा पता कि रेड किंग के जगंदर रहे वरना भाई पहले ना बता। बहुत तेज हो रहा है। और गाइस रोग और कोको लापता है वे पता नहीं कहां जा लिए। सुबह से दिख नहीं रहे कहीं भी। अब भाई एक बार इनका खाना रेडी कर दूं फिर भाई सारे के सारे आ जाएं। कोको भी रोक्सी भी सब आ जाएं खुद ही। और गाइस सिम्बा सुबह रोक्सी के पप्पीज के पास जा लिया था। दो बार धमका लिया इस बार सीधे अटैक कर देगी। ये मत ठीक है। सिम्बा तो छोटे छोटे पप्पीज देखने के लिए जावे। रोक्सी तुरंत इसका बुड़का भर ले। बुड़का तो खैर भरती नहीं। जिस दिन बुड़का भर लिया फिर तो जावे ही नहीं। धमका सीधे। और एक इस छोटे पप्पी को देखो अब तक चिंटू बच रहा था ना इसके चंगुल से। चिंटू को भी पिटन लगा। तो गाइस हो गया सभी का खाना वाना। और गाइस सिम्बा चिंटू के ऊपर बदमाशी दिखा रहा। ये देखो इसी के पास आकर बैठ गया। अब तो खड़ा हो गया खैर वरना इसे भोक के जा रहा था। सिम्बा शरीर में बड़ा हो गया ना सबसे। तो गाइस धीरे धीरे ऐंठ पिलाने लगा सभी के ऊपर। बट भाई ये है कि चाहे वो किसी को भी पीट ले हमारा छोटा पप्पी फिर भी से पीट देगा। तो गाइस अभी सीन बन गया था। अब तो भाई चिंटू नीचे जा गया वरना भाई ने रेड किंग खोल दिया था। गेट बंद कर दो। आजा भाई रेड किंग चीते बाहर आजा। कोको टायर में लग गई। यू टायर टंगा था मैंने रेड किंग के लिए। तो गाइस अभी रोक और चिंटू को तो नीचे भेज दिया। और गाइस रेड किंग को देखो कैसे लेट रहा सी उनकी गोद में। मेरे से ज्यादा लगाओ तो इसका करण लगाओ। रोटी में खोयो खो अबे चीटिंग करता है तू। तो गाइस अभी रोक्सी के पास आ गए। और गाइस रोक्सी के पप्पीज देखो ये घूम रहे हमारे पास ही। बट भाई हमें कुछ नहीं कह रही। मुझे तो भाई कह ही नहीं रही कुछ। शिवम का तो भरसा क्या बुड़का। हां भाई भरवा दूं बर्बाद भी खोबरे में तेरे भी खोबरे में। अबे साले। तो गाइस अब एक दोस्त के पास जाने लग रहे हैं। उसके पास एक अमेरिकन बुल्ली की फीमेल है और गाइस उसने पप्पी भी दे रखी है। उसके पप्पी दिखाऊंगे। तो गाइस आगे भाई के पास। और ठीक हो भाई? बढ़िया भाई और ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। और गाइस ये रहा भाई का हाथ में अमेरिकन बुल्ली का मेल। और गाइस पप्पी की क्वालिटी देखो क्या भयंकर है। ऐसा लग रहा है जैसे भाई रोटविलर का पप्पी हो। छोड़िए भाई नीचे छोड़ दो। ये देखना भाई हाथ पैर देखो कितने मोटे मोटे है। सबसे मेन भाई कलर देखो कलर कितना ज्यादा प्यारा। तो गाइस अभी इसके पास एक पमेलियन की फीमेल आ गई। और गाइस इसने तो पूंछ दबा ली छोटे से को देख कर। ये घुमरी पप्पी की मदर। ये देखना भाई मदर की क्वालिटी। और गाइस सबसे भयंकर चीज तो यह है ये भाई पूरा एग्रेसिव हो गए। ओए हाथ बुड़का ना भर लिए। वैसे भाई मैं इसको हाथ तो लगा रहा बट भाई एकदम से बुड़का भर ले। और गाइस ये वाला पप्पी सेल के लिए भी है। अगर भाई किसी को लेना हो तो गाइस ले सकते हो। मैं भाई का नंबर डाल दूंगा। अगर भाई किसी को लेना हो तो गाइस ले सकते हो। ये देखना भाई बिल्कुल हैवी है। मेरे तो आत्मा भी नहीं रहा। सबसे मेन इसका कलर देखो कलर कितना ज्यादा टॉप लग रहा। और गाइस मदर की भी क्वालिटी देख लो बिल्कुल कोको के जैसी है। ये वाला पप्पी कौन से साइज में जाओगा भाई? अच्छा तो गाइस पॉकेट साइज में जाओगे। और गाइस यहाँ पे जितने बच्चे हैं ना ये सारे के सारे अपने सब्सक्राइबर हैं। यो तो है नहीं हट जा रहा तू अलग हट। ये सारे के सारे भाई अपने सब्सक्राइबर हैं। आ बेटे शाबाश बेटा। चलो भाई ठीक है डोडो बाय बाय। तो गाइस अब घर पर चलता हूँ। और गाइस बिल्कुल कोको की टू कॉपी है ऐसा देखा तो कोको की याद आ रही। चलो ठीक है भाई ओके बाय 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 बाय। तो गाइस आगे घर पर घूम फिर गए। और गाइस ये घूम रहे मेरे सारे डॉग्स मेरे आगे पीछे ही। जब मैं किसी डॉग के पास जाऊँ ना इन्हें भाई सभी को पता चल जाओ। इन्हें पूछ रहे कहाँ गए थे। हाँ कोको मान जा। और गाइस कोको के फेस पे यहाँ पे निशान हो रहा है। इसकी भाई नारियल के तेल वगैरह मालिश करूंगा थोड़े बहुत दिन तभी ठीक होगी। अरे कहाँ चढ़ेगी। ये बैठी हमारी रोक्सी अपने सभी पप्पी को दूध पिला रही। ये वाला पप्पी पता नहीं क्यों लग पड़ा। हाँ तेरा पप्पी उठाऊ मैं वाला। शाम के 6 बज गए। और गाइस गर्मी इतनी ज्यादा हो रही ना सोच रहा है घंटे बाद लेकर जाऊंगा। देखना भाई की भी कैसे बैंड बज रही है आपके। कोको तो आराम से लेट की ठंडक ढूंढ गए। तो गाइस अभी उस छोटे पप्पी को नीचे लेकर आता हूँ। और गाइस कच्चे में छोड़ दूंगा बिकॉज भाई कच्चे में नहीं रहता हूँ सारे दिन पक्के पक्के में रह क्या पता पैर ही खराब हो जाए। बात तो सही है। आज भाई उसे छोटे पैकेट को रोक्सी की सुरंग में छोड़ देंगे या भाई रोक्सी ने सुरंग बना रखी अपने पप्पीज देने के लिए। तो गाइस आगे अपना छोटा पैकेट इसके साथ साथ सारे के सारे आगे रहा नहीं जाता। अब भाई सा कच्चे में छोड़ते हैं देखते हैं क्या करे। बस मिट्टी विट्टी ना खा लिए तू। और गाइस सारे के सारे डॉग्स देखो कैसे आगे इसके आगे पीछे। बट भाई तो नीचे जाते मिट्टी खा लगा। जा तू एक काम कर रोक्सी की सुरंग में चला जा। जा चला जा गया। जा लिया रोक्सी की सुरंग में सारे के सारे देख रहे कहाँ जा रहा। और गाइस अगर मैं रोक्सी को हटाता ना हुआ तो भाई यहाँ से सुरंग कर गए क्या पता भाई किसके घर में निकल जाती। खरगोश गड्ढा खोद है ना सेम टू सेम ऐसे ही खोद रखा। बस फर्क ये है खरगोश थोड़ा अपने लेवल का गड्ढा खोद है रोक्सी ने अपने लेवल का खोद रखा। और गाइस पप्पी को मिट्टी में से हटा लिया बिकॉज भाई डड़े खावे फिर। गाइस ये घूम रहा अपना रेड किंग जीता। और गाइस गर्मी बहुत ज्यादा हो रही। अब भाई थोड़ी देर में खेत में लेकर जाऊंगा। और गाइस रेड किंग गर्मी थोड़ी कम मन है इसलिए खेत में लेकर जाऊंगा। बाकी डॉग्स को तो थोड़ा लेट लेकर जाऊंगा। आज तो रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा गर्मी हो रही बिल्कुल पसीना पसीना हो गया मैं भी। डॉग्स के अंदर तो वैसे भी हमारे से दो गुना गर्मी हो गए बट भाई फिर भी ये है कि रेड किंग बहुत कम गर्मी मन है वरना भाई अमेरिकन बुल्ली कुछ ज्यादा फैफे करने लगे। रात के टाइम में रेड किंग को इस वाली छत पर खुला छोड़ दूं। दिन में तो भाई थोड़ा केज के अंदर बंद करके रखना पड़े समझ रहे हो क्योंकि भाई रेड किंग का डर नहीं है नीचे गिरने का। सिम्बा की तो थोड़ी एज कम है उसके अंदर बचपन हो गया ना इसलिए गिर गया। बट भाई ये तो थोड़ा सा समझदार है। हाँ भाई रेड किंग समझदार है तू।
देखना भाई कैसे उछल कूद कर रहा है, नीचा ना गिर जाइए। अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले कि समझदार है तू, अपनी समझदारी दिखाइए। कभी भाई पता चला सिम्बा की तरह लुढ़क गया। और गाइस ऊपर व्हाइट पिजन बैठा ना, शायद इसे देख रहा, नहीं तो नीचा देख रहा। और गाइस पूरे 2 महीने हो गए इस व्हाइट पिजन को हमारे यहाँ पे रहते रहते, यो बिल्कुल जंगली बन गया। बहुत से लोग इसे पकड़ने के लिए भी आए बट भाई किसी का हाथ नहीं आता। और गाइस ये नीम का पेड़ हमारी छत के बिल्कुल पास हो गया ना, उस दिन सिम्बा नीम के पेड़ पर कूदा था, बंदर भाग के नीम के पेड़ पर चढ़ गया। सिम्बा ने सोचा मैं भी बंदर बन दूं, नीम के ऊपर चढ़ा था बट भाई नीचे गिर गया। और गाइस हमारे मिस्त्री थोड़ा आराम आराम से काम कर रहे, वरना भाई यहाँ को रेलिंग लगवानी थी, पीछे भाई इनका सेटअप बनवाना था। और गाइस नीम के नीचे यहाँ पे रेडकिंग का सेटअप बनाने की सोच रहा। और गाइस रेडकिंग 2 दिन से खाना अच्छे से खा रहा, वरना भाई चोट की वजह से खाना वाना कुछ नहीं खा रहा था। ये देख लो भाई 2 दिन के अंदर ही फर्क लग गया, वरना भाई बिल्कुल लकड़ी सा हो गया था। अब भाई से खेत में लेकर चलता हूँ। और गाइस आज मेरा मन कर रहा है ऐसे खुला लेकर जाऊँ, बस भाई का कोई दुश्मन ना मिला तो और अच्छा। शाम के टाइम पूरे खेत में पिटबुली पिटबुल हो जा, और गाइस सारे के सारे खतरनाक आ गए लड़ने भिड़ने वाले, इसलिए भाई थोड़ा डर लगे, क्या पता भाई किसके साथ उठ बच जा। बात तो सही है। फिर भाई रेडकिंग का सभी को पता, जितना ज्यादा शांत है इतना ज्यादा खतरनाक है। सोच रहा भाई रेडकिंग को ले जाने से पहले रोक और को टायर देता हूँ, इतना भाई टायर के साथ खेल लेंगे। तो गाइस पकड़ा दिया ना टायर, फिर भाई ने रात के टाइम घुमाने लेकर जाऊंगा। अब भाई रेडकिंग को लेकर चलता हूँ। तेरी लगी रोक्सी भी लगी, और गाइस रोक्सी तो आते झटके मारा करे, बस हट जाओ सारे के सारे भाग जाओ, रोक्सी आगे जल्दी भागो, क्योंकि भाई रोक्सी अग्रेसिव हो रही पप्पीज देने के बाद। तो गाइस इतना रोक्सी टायर में लग रही, इसके पप्पीज देखता हूं अंदर से लगा। बस भाई पीछे से रोक्सी ना जा, कभी पता चले मेरे पिछवाड़े पर बुड़का भर लिया उसने। और गाइस पप्पीज सारे के सारे आराम कर रहे हैं, इन्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। अरे उठ गए, हाँ ठीक है सोचा गुड नाइट बाय बाय। और गाइस आज अपने साथ सेफ्टी के लिए लट ले लिया, ये देखो कितना बड़ा लट ले लिया, तेरे तो ही बड़ा है तो, वरना भाई कोई स्ट्रीट डॉग भोकता ज्यादा पास आता। और गाइस आज मैदान बिल्कुल साफ है, एक भी डॉग नहीं दिख रहा, क्योंकि भाई हम थोड़ा लेट आए ना, सारे के सारे जा लिए शायद। मैं तो भाई रेडकिंग को खुला छोड़ने वाला था, मुझे लगा मैदान बिल्कुल साफ है, बट भाई सामने से टाइगर आने लग रहा। रेडकिंग पूरे जोर लगा रहा उन सबको देख के, एक बार हाथ में आ जाए तो। और गाइस व्यू देखो कितना टॉप का रहा, ये रहा हमारा रेडकिंग, पीछे भाई इसके दुश्मन है। टिप्सी को देखो रेडकिंग के ऊपर कैसा एग्रेशन कर रही। और गाइस रेडकिंग तुरंत खिलंदरी के मूड में आ जा, ये देखना भाई पटेल जा दिए। वैसे भाई रेडकिंग बिल्कुल भी अटैक नहीं करने का, क्योंकि भाई फीमेल होगी ना। वैसा भाई एक देखा जाता बिल्कुल रोक के जैसा हिसाब है, फीमेल को कुछ नहीं कहता, मेल डॉग के ऊपर एग्रेशन करे। रेडकिंग का एक जुगाड़ करते हैं, इसके मुंह पर भाई कत्तर बांध देंगे, वैसे तो भाई कत्तर मजबूत है, फिर भाई से खुला छोड़ देंगे। क्या बोला तूने? और गाइस कत्तर की मजबूती का अंदाजा मेरे हाथ देख कर लगा सको, हाथ लाल हो गए फाड़ने के चक्कर में, बट भाई पहले से अच्छे से घुमाता फिराता हूँ, देखता हूँ निकाल लिया क्या। वैसे तो भाई पंजे कुछ नहीं मार रहा, खुला छोड़ता हूँ। चल भाई रेडकिंग जीते जी ले अपनी जिंदगी, बस पंजे ना मारिए इसमें ठीक है। बट भाई एक दिक्कत होगी, सामने से कैप्टन आ गया। और गाइस कैप्टन से ऐसे ही मिलवाते हैं मुंह बंदे कोई, देखते हैं भाई क्या हुआ है। वैसे तो भाई कोई सा भी अटैक नहीं कर रहा, ओए ऐसे गड़बड़ नहीं चलेगी। नो अटैक रेडकिंग, नो अटैक रेडकिंग को तो छोड़ कैप्टन, तू ना करिए। ओए आगे ओ भाई साहब, ये तो पूरी मस्ती में आगे। ओए 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 ये वाली मस्ती नहीं चलेगी रेडकिंग, नो पंजे से निकाल लिया तो। रेडकिंग रुक जा, लो भाई निकाल ही दिया भाई, अब नहीं मिलवा सकते क्योंकि भाई से ना अपने मुंह पर से रस्सी निकाल ली, कल को मास्क ही लेकर आऊंगा। तो गाइस अब रेडकिंग और कैप्टन को आगे लेके चलते हैं। वैसे तो भाई दोनों पकड़ रखे, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, इनका अब तक कुछ एग्रेशन हुआ। तो गाइस रेडकिंग को खुला छोड़ दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर घूम फिर लगा बिकॉज भाई अपने 12 आगे। और गाइस बांध के घुमाने में डॉग खुश नहीं होता, भाई खुला छोड़ दिया। और गाइस रात ही होगी बिल्कुल, रेडकिंग को घुमाते अगर रेडकिंग रेस लगाऊंगे दोनों, चलो गया। जब रेडकिंग को लेकर घर वापस चलते हैं, और गाइस रनिंग करवाते हुए लेकर चलेंगे। अरे सुन तो, ओए पट्टा कहां है इसका? ले रहा फिर ठीक है, मुझे लगा भाई पट्टा पीछे रहेगा। चलो भाई रेडकिंग जीते, सब रेडकिंग की थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, दिए भाई की स्पीड दे। चल बच्चे और रेडकिंग, चल बच्चे और दे स्पीड दे, चल बच्चे और रेडकिंग, चल बच्चे रेडकिंग, बहुत अच्छे। बाद में देखना पड़ेगा वीडियो में कितनी स्पीड। तो गाइस होगी रेडकिंग की रनिंग, और गाइस बढ़िया स्पीड से भाग रहा था। अब भाई घर पे लेकर चलूंगा सीधा, सामने गांव आ गया। तो गाइस आ गया घर पे, और गाइस आज के ब्लॉग की एंडिंग भी यहीं पे करता हूं। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और गाइस लास्ट में सब्सक्राइब और कर देना।